मेरा ग्राफ जो नीचे जा रहा है उससे मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा है। करने वाली हूँ, सेलिब्रेशन ही कर रहे थे और मेरे ऊपर छिपकली गिर गई सच में। वेलकम बैक टू माई चैनल। सो आज मैं एक व्लॉग शूट करने वाली हूँ आपके लिए, डेली नॉर्मल व्लॉग है। सो देखते हैं कि क्या शूट करती हूँ। सो इफ़ यू गाइज इंटरेस्टेड देन प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग। एक कबूतर बैठा है तार पे। हेलो क्यूटी, हेलो हेलो, हे इधर देखो, आई नो तुम देख सकते हो। अभी से मुझे थकान हो रही है। फाइनली बैक टू होम।
बहुत ज़्यादा भूख लग रही है अब खाना, सो चलो हम खाना खा लेते हैं। सो गाइस मैं थोड़ा सा सो गई थी और अभी हम खाने वाले हैं मैगी। सो जल्दी से मैगी खा लेते हैं। यम। हाय गाइस, सो अभी शाम हो चुकी है और मैं ले रही हूँ चाय। सो गाइस आज का तो पूरा दिन हो गया और मैंने जो भी शूट किया, मतलब मैंने जो भी किया वो आपके साथ शूट किया, और ये व्लॉग देखते हैं कब तक लाइव जाने वाला है। और मैं कुछ कह रही थी, हाँ, सो बहुत ज़्यादा सिंपल सा व्लॉग शूट किया है मैंने और आपने देखा ही है जैसे कि, और अभी शाम हो चुकी है। और गाइस एक चीज़ से मैं बहुत ही ज़्यादा अपसेट हूँ, मैं यूट्यूब पे बहुत टाइम से वर्क कर रही हूँ बट गाइस मेरे जितना भी जो भी ग्राफ है वो सारा डाउन जा रहा है। मैं चाहती हूँ कि वो ऊपर जाए बट पता नहीं क्यों वो ऊपर नहीं जा रहा है। सो बस एक ही इच्छा है कि वो ग्राफ मेरा ऊपर जाए और सारी चीज़ें, मतलब पहले जैसे ऊपर जा रहा था उसी तरह से ऊपर जाए। सो बस बहुत टाइम से यूट्यूब मैं कर रही हूँ और थोड़ा थोड़ा बहुत बीच में गैप किया था, बाकी तो मैं एक्टिव ही थी। सो गाइस आप लोग एक बार चेक कीजिएगा कि आप लोगों ने बेल बटन प्रेस किया है या नहीं। सो बस मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया, मैं सो गई थी बाहर से आने के बाद, और उसके बाद मैंने मैगी खाई और फिर थोड़ी देर और रेस्ट किया और अभी मैं ले रही हूँ चाय। मुझे लगा किसी ने आवाज़ लगाई मुझे। सो गाइस मुझे लगा किसी ने मुझे आवाज़ लगाई बट नहीं, मेरी मम्मी किसी और को बुला रही थी। और गाइस बस मैं आपको यही कह रही थी कि मेरा ग्राफ जो नीचे जा रहा है उससे मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा है, मतलब कि बहुत ज़्यादा अपसेट हूँ मैं। सो जल्दी से मेरा ग्राफ ऊपर जाए और उसके बाद मैं बहुत अच्छी अच्छी वीडियो शूट करूँ। बस मतलब कि जो ग्रोथ होती है ना आपकी एक बार यूट्यूब में, वो जो रुक जाती है तो सच में बहुत ज़्यादा आपको बुरा लगता है। सो वही सिचुएशन चल रही है बट मैं थोड़ा सा ठीक होना चाहती हूँ, खुश रहना चाहती हूँ ताकि मैं अच्छा काम करूँ और फिर से मेरा ग्राफ पहले की तरह ऊपर जाए। पहले बहुत ही अच्छा जा रहा था बट लाइफ में सभी, मतलब पूरा टाइम आपका एक जैसा तो नहीं होता है, थोड़ा थोड़े अप्स एंड डाउन्स तो आपकी लाइफ में चलते ही रहते हैं। सो मैं अभी सोच रही हूँ कि हो सकता है कि ये कुछ इस तरह का हो। सो मैं और काम करूँगी और आप मुझे सजेस्ट भी कर सकते हैं अगर आपके पास कोई आइडिया है तो। और बस सभी मैं चाय ले लेती हूँ मेरी और उसके बाद देखते हैं कुछ अच्छा होगा मेरे पास शूट करने के लिए। सो मैं ज़रूर शूट करूँगी वरना मैं व्लॉग को एंड कर लूँगी। सो अभी मैं आपको ऐसा नहीं कह रही हूँ, अभी मैं शूट करूँगी कुछ। सो देखते हैं क्या करने वाली हूँ अभी मैं। तो गाइस मैंने चाय पी ली है और मैं आपसे, मैं क्या कह रही थी यार मैं भूल जाती हूँ। हाँ सो अगर आपको ये इस टाइप का व्लॉग पसंद आया हो तो मैं और अच्छे से बनाना चाहूँगी और व्लॉग्स। सो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको अच्छा लगा है व्लॉग। सो मैं नेक्स्ट टाइम और अच्छे से प्रिपेयर करके और अच्छे से शूट करूँगी। सो या गाइज मैं अभी कह रही थी कि अगर आपको इस टाइप का व्लॉग पसंद आया हो तो मैं और व्लॉग्स आपके लिए बनाना चाहूँगी। और ऊपर से एक पानी का बूंद गिरा तो मैंने सोचा पता नहीं क्या हुआ यार। हाँ तो मैं आपको ये बता रही थी कि कल थी राखी और हम लोग राखी सेलिब्रेशन ही कर रहे थे और मेरे ऊपर छिपकली गिर गई सच में। उसके बाद
तो मैं इतनी ज़्यादा डर गई थी। सो अभी भी मुझे ऐसा ही लगा कि फिर से तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। सो ये मेरा कल का इंसिडेंट था। बट अभी बारिश आने वाली है, थोड़ा ऐसा लग रहा है। सो हाँ, सच में पानी आने ही वाला है, ऐसा लग नहीं रहा है, पानी आने ही वाला है। सो इसीलिए थोड़े बहुत बूंद आ रहे थे। सो या देखते हैं बारिश कैसी होती है, तो मैं आपको भी दिखाती हूँ कि कैसा मौसम हो रहा है। चलिए देख सकते हैं कितना काला काला हो रहा है। OMG, जरूर पानी आएगा, देख सकते हैं। तो पता है गाइज, मैं आपको एक चीज़ बता रही थी कि मैं ऐसा बोल रही थी आपको कि आजकल ऐसा होता है कि हम थोड़ी देर के लिए भी बाहर जाते हैं तो बहुत ज़्यादा टायर्ड फील करते हैं घर आकर। पता नहीं क्यों ऐसा होता है, क्या आपके साथ भी होता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए। सो मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, मैं थोड़ी देर भी अगर बाहर किसी काम से गई उसके बाद तो पक्का मैं टायर्ड फील करने वाली हूँ घर आकर। उसके बाद मुझे ऐसा लगता है बस सो जाओ, कुछ भी मत करो। सो क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? सच में पता नहीं, पहले तो ऐसा कुछ नहीं होता, पहले तो हम बहुत ज़्यादा मतलब एक्टिव थे कॉलेज स्कूल वगैरह के टाइम। बट गाइस, जब से ये कोरोना का टाइम स्टार्ट हुआ है, जब से शायद ऐसा ही चल रहा है और कुछ भी अच्छा भी नहीं लगता है ज़्यादा। तो बस यही चीज़ होती है मेरे साथ हमेशा, और इसी वजह से मैं टायर्ड हो जाती हूँ और उसके बाद मैं कुछ भी नहीं कर पाती हूँ, ना वीडियो शूट कर पाती हूँ, ना कुछ अच्छा कर पाती हूँ। सो बस यही दिक्कत चलती रहती है। सो आज मैंने व्लॉग बनाया, लेकिन मैंने उसमें कुछ भी ज़्यादा नहीं बोला और मैं नहीं बोल पाती हूँ सच में। और हमारे यहाँ इंदौर में सच में ऐसा होता है कि आप कुछ भी नहीं बोल पाते हो, और अगर आप बोलते हो तो पब्लिक आपको इस तरह से देखती है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल लो हो जाता है। सो ये तो सच है, सच में मुझे पता है बहुत सारे लोगों के साथ ये सिचुएशन होती है, मतलब वो लोग ये सिचुएशन फेस करते हैं बोलते टाइम बहुत सारे लोग उन्हें एकदम टारगेट कर लेते हैं। बट इंदौर में तो सच में, और मुझ में इतने गट्स नहीं है, मतलब सच में मैंने कोशिश की बट मुझसे नहीं हो पाया। सो मैंने सोचा चलो ऐसे ही जाने देते हैं, थोड़ा बहुत शूट करते हैं, लगेगा तो वॉइस ओवर देंगे और वरना अपन अपने घर पर ही जाकर बात करेंगे। सो इसलिए मैंने कुछ भी नहीं बोला। एक चीज़ आपको बताती हूँ कि देख सकते हैं आप, यहाँ पे मुझे एक पिंपल हो गया है और यहाँ पे एक लिप्स के ऊपर बहुत ही गंदा लग रहा है, और ये मेकअप की वजह से ही होता है। आप कितना भी अच्छा मेकअप ट्राई कर लो, यूज़ कर लो, बट ये प्रॉब्लम तो आपको स्किन की प्रॉब्लम होनी ही होनी है। सो इससे आप बच नहीं सकते हो। सो आप ऐसा मत, अगर आप ऐसा भी सोचते हैं ना कि आप बहुत अच्छे से स्किन केयर वगैरह कर लेंगे और अच्छा मेकअप यूज़ करेंगे तो आपको ये नहीं प्रॉब्लम होगी, बट ये फिर भी प्रॉब्लम तो होती है। मैं बहुत ही कम टाइम में अपना मेकअप रिमूव कर देती हूँ, बट मतलब पहले एक बार मैं इस चीज़ को बहुत बुरी तरह से फेस कर चुकी हूँ, मतलब बहुत ही गंदा हो गया था मेरा फेस, बिल्कुल भी मेरी स्किन अच्छी नहीं थी। और अभी मैंने फिर से मैंने रूटीन स्टार्ट किया है कि मुझे मेरी स्किन अच्छी चाहिए, बट फिर भी आप मेकअप करो और मैं जल्दी ही रिमूव कर देती हूँ, फिर भी ये चीज़ तो ये प्रॉब्लम तो फेस करनी ही पड़ती है मुझे भी। सो लिप्स पर तो बहुत ही गंदा लगता है, आप देख सकते हैं, और यहाँ पर भी एक छोटू सा हो गया है। सो ये भी चला जाएगा टाइम के साथ, बट सच में आप कोई भी अच्छा प्रोडक्ट, मैंने अच्छे प्रोडक्ट्स बाय किए, मैं अच्छा स्किन केयर फॉलो कर रही हूँ, बट फिर भी मुझे ये प्रॉब्लम हो ही रही है। सो ये तो नॉर्मल है, नेचुरल है, तो होती ही है, इसीलिए इस चीज़ से आप मत डरिए। अगर आप मेकअप वीडियोस वगैरह शूट करते हैं तो ये चीज़ तो नॉर्मल है, सो ये तो आपको होनी ही है। सो बिल्कुल भी माइंड मत कीजिए और मेरी तरह डीमोटिवेट बिल्कुल भी मत होइए। अच्छा काम कीजिए, अच्छे से वर्क कीजिए, अच्छा आपका टाइम स्पेंड कीजिए और बस मेहनत करते जाइए। सो मैं भी थोड़ी बहुत डीमोटिवेट हो जाती हूँ, बट अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ नहीं, मुझे नहीं छोड़ना है, मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहती हूँ। थोड़ा टाइम पहले मैंने ऐसा सोचा था कि अगर मुझसे नहीं हो पाया, मेरे ग्राफ सारे ऊपर नहीं गए, तो मैं ऐसे छोड़ दूँगी और रहने दूँगी, बट नहीं, अभी फ़िलहाल मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं करूँगी। सो ब्लैक वाले जो बादल है वो चले गए हैं और आप देख सकते हैं व्हाइट व्हाइट आ गए,
वाओ, मतलब कि बारिश नहीं होने वाली। सो देखिए एकदम से मौसम क्लियर हो गया है और इधर थोड़े से ब्लैक ब्लैक दिख रहे हैं, बट बाकी तो सब पूरा क्लीन हो गया है स्काई। सो शायद अब बारिश ना हो। मैं बैठी थी बारिश को देखने और बारिश तो मुझे नहीं लगता अब होगी। सो मुझे लगा बारिश होगी तो मैं आगे शूट करूँगी, बट अभी तो बारिश हो ही नहीं रही है।